हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जब भी हम कहीं बार नए शो को देखते हैं तो हमें लगता है ये सबके रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा कराया जाता है। प्रमोशन से फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि आजकल आप OTT जितना देखते हैं तो वो कहते हैं, यार मम्मी ये वाला शो देखो आप, बहुत अच्छा है, ट्विटर पे छाया हुआ है। तो प्रमोशन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आजकल तो बॉलीवुड के स्टार भी प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अपनी मूवी को थिएटर में पहुँचने से पहले पहले वो घर घर में उसका प्रचार कर देते हैं। तो ऐसे में लास्ट वीक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 शो शुरू हुए। उन 5 शो में किसकी TRP ने फैंस को किया निराश और किसकी TRP से फैंस हुए खुश, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले ZTV की बात करें, सारेगामापा एक रियलिटी शो शुरू हुआ है। ऐसे में उसकी ओपनिंग TRP 0.7 निकल कर आई है, तो TRP ज़्यादा अच्छी तो नहीं है अगर उसकी पहले सीजन की TRP देखें तो उसके अकॉर्डिंग। और जिस हिसाब से उसमें पॉपुलर स्टारों को बुलाया गया, पॉपुलर स्टारों के थ्रू प्रमोशन कराया गया, उसके हिसाब से इसकी TRP नहीं निकली है। आई थिंक नेक्स्ट वीक अच्छी TRP हो जाए, बट यही कहूँगी 0.7 TRP इज़ नॉट गुड। किसी की भी TRP फर्स्ट वीक की देखकर आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो प्रमोशन की भी TRP होती है। नेक्स्ट वीक की TRP डिसाइड करेगी कि आपका शो फिनाले कितना लंबा करेगा। अब बात आती है आपके दूसरे बड़े शो की, जागृति, जो ZTV पे ही शुरू हुआ, जिसने भाग्य लक्ष्मी को रिप्लेस किया था, जो 8:30 पे नज़र आ रहा है। उसकी TRP जब देखी तो लगा, यार ये तो बहुत अच्छा कमाल कर सकता था या कर रहा है। 1.0 TRP निकल कर आई है। अगर फर्स्ट शो की, मतलब नए शो की फर्स्ट TRP देखे तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बेकार है, लेकिन अगर इसने भाग्य लक्ष्मी को रिप्लेस किया है तो 1.2 1.3 तक इसको लानी चाहिए थी। नए शो की थोड़ी सी कहानी जमने में टाइम लगता है, लेकिन उसके हिसाब से जगृति ने 1.0 TRP अच्छी दी है। अब बात आती है आपकी तीसरे बड़े शो की, जो ZTV पे ही शुरू हुआ था लास्ट वीक, वसुधा, जिसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई थी, चाहे शो के लेकर हो, शो के स्टार को लेकर हो या टाइमिंग को लेकर हो। ऐसे में उसकी ओपनिंग TRP 0.9 निकल कर आई है, वेरी गुड TRP। वसुंधा की लेट टाइमिंग में आपको 0.9 TRP या 0.8 TRP मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इसकी उम्मीद 0.7 तक की थी, लेकिन इसने मेरी चुनौती को जो है बीट कर दिया। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि हो सकता है ये इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स कर जाए। इसने जो है आपके रब से दुआ को रिप्लेस किया था। अब बात आती है आपकी फोर्थ बड़े शो की, वो है दुर्गा। दुर्गा का प्रमोशन बहुत ज़्यादा कराया गया और अब भी चल रहा है। इसकी जोड़ी ने जो है ट्विटर पे धमाल मचाया हुआ है, जो कि दुअन के नाम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। दुर्गा शो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे छाया हुआ है। उसके हिसाब से इसकी TRP 1.5 निकल कर आई है। इसकी स्टोरी भी बहुत प्यारी है, जैसे कि आप मेरे साथ लाइव में आते हैं तो अगर हम दुर्गा की बातें करते हैं तो करते ही रहते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। दूसरा, इसमें स्टार बहुत प्यारे हैं। तीसरा, इसे कहानी को एक बांधने की एक हिम्मत रख रहा है, कि कुछ कहानियों को ऐसा होता है कि यार पता ही यही होगा, लेकिन इसमें नहीं पता है कि यार क्या है, कुछ छुपा हुआ है। दुर्गा खतरनाक बनेगी या फिर हीरो का बाप खतरनाक बनेगा या जो पानी बाई है वो खतरनाक बनेगी या दुर्गा से जिसकी शादी होने वाली है वो खतरनाक बनेगा। यहाँ पे एक जासूसी, एक जो है एक अलग ही टाइप का शो रच रहा है। और नेक्स्ट वीक ये जो है एक अच्छी पोजीशन पे होने वाला है, टॉप 10। फिलहाल इसकी ओपनिंग TRP 1.5 है, बहुत बेस्ट निकल का है। इसने परिणीति को रिप्लेस किया था, और जैसे हमने बताया था कि गूगल इसकी 1.5 TRP बता रहा है और स्लॉट के अकॉर्डिंग भी इसकी 1.5 सही निकल कर आई है। अब बात आती है आपकी उससे ही बड़े शो की, स्टार प्लस पे फैमान खान का शो शुरू हुआ, रब रखा।
वो फ्लॉप लिस्ट में है या हिट लिस्ट में। तो डियर, पहली टीआरपी से ना तो कोई हिट लिस्ट में जाता है और ना ही फ्लॉप लिस्ट में जाता है, लेकिन उसकी ओपनिंग टीआरपी 1.2 निकल कर आई है, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी टीआरपी है। जिसने माटी से बंधी डोर को रिप्लेस किया था, माटी की भी टीआरपी बढ़ गई और माटी ने इतनी टीआरपी एकदम नहीं दी थी जितना आपका रब रखा ने 1.2 टीआरपी दी। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक ये टीआरपी जो है 1.3 या 1.4 तक लेकर जाएगा, क्योंकि इसके थोड़े से प्रमोशन में कमी हो रही है, तो इसका थोड़ा सा प्रमोशन लीना मैम को करवाना चाहिए। उम्मीद है कि ये शो भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये है वो टॉप 5 शो जो कि फ्लॉप या हिट या गुड या बैड टीआरपी है। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, किसकी टीआरपी देखकर आप वाकई ही शॉक हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।